थेरीज ऑफ फॉर गेटफुलनेस डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट एक्सप्लेन दैट वाई वी डू नाट एबल टू मेमोराइज थिंग्स एंड हाउ डू वी गेट फॉर फॉर गेटफुलनेस तो इसमें कुछ चार पाँच थेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि फॉर गेटफुलनेस को एक्सप्लेन करती हैं इसमें जैसे डिसप्लेसमेंट थेरी है और इसके बाद जो है इंटरफेरेंस थेरी है रिट्रीवल फेलियर है इसी तरह से कंसोलिडेशन है डेके थेरी है तो बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन ये किया है कि हम कौन से ऐसे इन्वामेंटल फैक्टर्स कौन से ऐसे हमारे माइंड फैक्टर्स हैं या कॉगनेटिव एबिलिटीज़ डे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए और हम भूल जाते हैं तो उसमें जैसे टल्विंग कहता है कि इन्फॉर्मेशन वुड बी मोर रेडिली रिट्रीव्ड इफ़ द क्यूज़ प्रजेंट वन द इन्फॉर्मेशन वडिड वर आल्सो प्रेजेंट ये कहता है कि हम उस वक्त फौरी तौर पर अपनी इन्फॉमेसन को प्रोसेस कर सकते हैं अगर हमने जब उसको याद किया था तो कुछ क्यूज़ भी उसके साथ थे कि हम याद कर रहे हैं कि ये मोबाइल हम कहाँ रख रहे हैं ये मोबाइल हम रख रहे हैं आ, कि अपने बैग की सेकेंड पॉकेट में और ये मुझे याद रहेगा अपने आप को अपनी माइंड कराते हैं कि मुझे याद रहेगा कि मैंने अपने लैपटॉप की जो सेकंड पॉकेट है उसके अंदर मैंने अपना मोबाइल रखा है ये क्यू है जो आपने खुद ही क्रिएट किया है जिससे आप अपनी चीज़ को याद रख रहे हैं रखते हुए आपने अपने आप को याद करवाना है कि आप कहाँ रख रहे हैं ऐसे ब्लाइंडली आप अगर चीज़ को रखेंगे तो वो आपको बाद में याद नहीं आती एक तो ये इसकी रीज़न है फॉरगेटफुलनेस की कि हम उस वक्त रखते हुए अपना क्यू जो है वो उसको अपने आप को रिमाइंड नहीं कराते या क्यू कोई क्रिएट नहीं करते फिर डिसप्लेसमेंट में वो ये कहता है कि ये एक रूल है दुनिया का भी रूल है माइंड का भी रूल है अल्लाह ताला ने भी हमारा जहन इस तरह से बनाया है कि जैसे ही एक इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं तो उसको भूलने का अमल फ़ौर शुरू हो जाता है और उस इंफॉर्मेशन के बाद एकदम से हम नई कोई मूवी देखते हैं पिछली मूवी देखी आज हमने एक नई मूवी देखी तो नई मूवी जो है वो हमें याद रहती है और पिछली थोड़ी सी भूलना शुरू हो जाती है तो नई इन्फॉमेसन आके ओल्ड इन्फॉमेसन जो है उसको भुला देती है उसको वो कहता है जी उसकी प्लेसमेंट हो जाती है उसको डिसप्लेसमेंट कहते हैं कि अगर वो डिसप्लेसमेंट की वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि नई इन्फॉमेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन को भुला देती है एक तो ये चीज़ होगी उसके बाद वो रिट्रीवल मैंने आपको बताया कि हम उस वक्त रिट्रीवल फेलियर होता है जब हम क्यूज़ जो है उसके साथ चीज़ों को याद नहीं करते और डिके थेरी जो है इसका ये ट्रेस डेके थेरी कहती है कि फॉर गेटिंग अगर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ ऑटोमेटिक डेके और फेडिंग ऑफ द मेमोरी ट्रेस और ट्रेस में वो फोकस करता है टाइम और लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ये है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक तो आ, बहुत थोड़े टाइम के लिए चीज़ को याद रखती है जैसे थर्टी सेकेंड्स उसका दुरानिया है और उसके बाद जो आ, उसकी जो उसका हुजम है शॉर्ट टर्म मेमरी का वो भी कम है यानी टाइम भी थोड़ा है याद करने के लिए और इतनी इन्फॉमेसन एक वक्त में हम अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते कि हमें हर इन्फॉर्मेशन ही याद रहे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के होने से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं यानी आपने अगर चार काम आज करने हैं तो चार काम जो है वो आप बार बार रिवाइज करें मैंने ये भी करना है मैंने ये भी करना है अगर आप अपने उन चार कामों को कहीं पर लिख लें या अपने मोबाइल में उसका जो है वो कोई आप रिमाइंडर लगा लें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हर काम का जो अपने टाइम लिख के आप उसको मोबाइल के अंदर सेव कर दें दस बजे इसका रिमाइंडर आए बारह बजे इसका रिमाइंडर आए दो बजे मेरा ये रिमाइंडर आए तो ये जो रिमाइंडर्स हैं ये क्यूज़ भी हैं ये रिमाइंडर्स जो हैं ये आपकी माइंड uh, को जो है वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन उसको ये चैनलाइज भी कर देंगे जिससे आपको फ़ौर इन्फॉर्मेशन जो है वो याद आ जाएगी तो फॉरगेटफुलनेस जो है वो आपकी कम हो जाएगी और इसी तरह से फॉर गेटिंग अकर्स बिकॉज ऑफ़ इंटरफेरेंस फ्राम अदर मेमरीज तो इंटरफेरेंस थेरी ये कहती है कि जब हमारी uh, हमने एक uh, चीज़ों की लिस्ट याद की है जैसे एक सब्जेक्ट है एजुकेशन एक दूसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी एजुकेशन में हमने एक थेरी पढ़ी uh, इसी इंफॉर्मेशन की रिट्रीवल थेरी अब हम वही रिट्रीवल थेरी साइकोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं तो एक जैसी सीखी हुई चीज़ भी बाज़ात दूसरी चीज़ को सीखने में अगर वो दूसरी चीज़ वही सेम आप सीख रहे हैं लेकिन डिफरेंट थोड़ी सी उसकी इन्फॉमेसन है तो पहली सीखी हुई चीज़ दूसरी सीखी हुई सेम चीज़ को आ, सीखने में और याद करने में मुश्किल पेश कर सकती है अब जैसे मोटरसाइकिल जिसको चलानी आती है हम उसको कहेंगे तुम गाड़ी बड़ी जल्दी सीख सकते हो तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो मोटरसाइकिल का कंट्रोल इज़ समथिंग एल्स एंड द कंट्रोल ऑफ द कार इज़ समथिंग एल्स बात मोटरसाइकिल की वजह से वो गाड़ी अच्छी नहीं सीख सकता तो मोटरसाइकिल की वजह से गाड़ी बड़ी अच्छी सीख जाता है तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है और सीखी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरी सीखी इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब भी कर सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है तो इसलिए इस थेरी ने ये कहा कि पहले वाली मेमोरी जो है वो आपकी दूसरी उससे मिलती जुलती मेमोरी को सीखने में डिस्टर्ब करती जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं